अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो डियर व्यूअर एंड डियर स्टूडेंट ऑफ माय चैनल। व्यूअर, आज के इस डिस्कशन में हम तीन बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस, उसकी एपिडेमियोलॉजी, जो डिजीज वो कॉज करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स उनकी जो स्ट्रक्चर्स है, एबिलिटीज़ हैं जिनके, जो फीदर करेक्टरिस्टिक वगैरह, सारा आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आते हैं एंटीरो बैक्टीरिशिया के टेक्सोनम की तरफ। इसकी जो डोमेन्स है हमारे साथ वो क्या है, बैक्टीरिया है। पाइलम इसका प्रोटियो बैक्टीरिया है, क्लास इसका गामा प्रोटियो बैक्टीरिया है, ऑर्डर इसका जो हमारे साथ है एंटीरो बैक्टीरियलिस है, फैमिली इसका एंटीरो बैक्टीरियाशी है, जो जीनस इसका है हमारे साथ क्या है, स्पीशी जीनस इसका हमारे साथ क्या है, एक्सकीरिया है, स्पीशीज इसका ई कोलाई है। दूसरा हमारे साथ इसमें जो दूसरी क्लासेस है जिसमें सलमोनीला, सलमोनीला के हमारे साथ और जो टाइप्स है, एस्पिराटाइपी ए बी सी, एस टाइपी मोरियम, और आखिर में एस टाइपी शिजीला के और टाइप्स हमारे साथ जो इस एंटीरो बैक्टीरिया टेक्सोनम में हमारे साथ आते हैं, वो हमारे साथ कोई कौन सी है जो इनकी जीनस में आती है। सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ है एस बायोडी, दूसरे नंबर पे एस डाइसेंटरी, तीसरे नंबर पे एस प्लेक्सी नीरी, और चौथे नंबर पे, लास्ट नंबर पे एस सुनी। इसके लिए कुलाई जो है बेसिकली इसकी मॉर्फोलॉजी हमारे साथ ये कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है जो बेसिकली रहती है ह्यूमन की गट्स में या दूसरे एनिमल की गट्स में। ये हमारे साथ थर्मो टोलरेंट होती है। दूसरा ई कुलाई जो है सर्वाइव करती है 44 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, और ग्रो करते हैं ऑर्डिनरी आम मीडिया में, जिसमें हमारे साथ न्यूट्रन एगर हो गया, कुलीफॉर्म बेसिली हो गई, मोटाइल है बेसिकली बैक्टीरिया है। इसमें एक साथ इसमें एक पीलस होते हैं एलपीएस, और ये इकोलाई जो है हमारे साथ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। जिस तरह इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम हमने यहाँ पे क्या किया है, ड्रा किया है, ये आउटसाइड मेम्ब्रेन, दूसरा जो इसके बाद है हमारे साथ लेयर आता है सिल्वाल है, इसके आगे इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, डीएनए होती है, पीली मौजूद होते हैं, और साइटोसोल और इसके साथ साथ राइबोसोम इसमें हमारे साथ क्या प्रेजेंट होते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसका वायरलेंस फैक्टर। बेसिकली बैक्टीरिया के सर्फेस, इसमें दो वायरलेंस फैक्टर होते हैं, एक होते हैं सर्फेस एंटीजन, दूसरा होता है टॉक्सिन। जो सर्फेस एंटीजन जैसे है इसमें हमारे साथ सोमेटिक्स ओ एंटीजन, दूसरा प्लेजिलर एच, और तीसरा एंटीजन जो इसमें होते हैं कैप्सुलर के एंटीजन, पेम्ब्रियल एंटीजन। टॉक्सिन जो इसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं किस बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया एस्किरिया कोलाई में। टॉक्सिन जो होते हैं एंटीरोटॉक्सिन होते हैं, हीमोलिसिन होते हैं, साइटोटॉक्सिक न्यूक्रोटाइजिंग फैक्टर होते हैं, दूसरा सिक्रेट करते हैं ऑटो ट्रांसपोर्टर टॉक्सिन सिडेरोफोर्स। तो आगे डिपेंड करते हैं एस्किरिया कोलाई की जो कल्चर मीडिया है, इसमें हमारे साथ सबसे पहले नंबर पर ई कोलाई कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है, जो बेसिकली हमारे साथ केस्टिस भी होते हैं और मंग मेक कौन की एगर प्लेट में। दूसरा कल्चर इसका हमारे साथ जो है इकोलाई कल्टिवेटेड ऑन ब्लड एगर पे है, और ये हमारे साथ नॉन हेमोलाइटिक कॉलोनीज बनाते हैं, यानी गामा हेमोलाइसिस। आगे डिस्कस करते हैं जो बायोकेमिकल टेस्टिंग इसका होता है, कैटलास पॉजिटिव एंड दूसरे ऑक्सीडेज निगेटिव। एक होते हैं नाइट्रेट इज रिड्यूस टू नाइट्राइट, तीसरे में हमारे साथ एंडोल पॉजिटिव, सिट्रेट नेगेटिव, यूरियाज नेगेटिव आती है। इसका आगे हमारे साथ ट्रिपल शुगर आयरन अगर टेस्ट किया जाता है, इसका जो हमें दिखाते हैं एसिड या एसिड गैस जिसमें मौजूद होते हैं, एच टू एस जिसमें एबसेंट होते हैं, मिटाइल टेस्ट किस काम करते हैं पॉजिटिव, एपिडेमियोलॉजी जो विकास करते हैं इसमें सम स्ट्रेन हमारे साथ जिसमें हमारे साथ चीज और टॉक्सिन प्रोड्यूस इकोलाई होती है जो हमारे साथ खास करते हैं सीवियर फूडबोर्न डिजीज। इस तरह ये ट्रांसमिट होते हैं एक ह्यूमन से प्राइमरी तौर पर कंज्यूम करने की कंटामिनेटेड फूड गैस, जिसमें हमारे साथ आती है अंडर कुक ग्राउंड मीट प्रोडक्ट, रॉ मिल्क, दूसरा कंटामिनेटेड रॉ वेजिटेबल, और इसी तरह स्प्राउट। इन पैथोजिन का जो रिजर्वायर है हमारे साथ जहर होते हैं मेनली कैटल कैटल में, दूसरा ये रोमिनेंट होते हैं जिस तरह शीप्स गोट्स डियर, और इस तरह ये कंसिडर की जाती है सिग्निफिकेंट रिजर्वायर, जबकि दूसरी मेमल जो है जिसमें हमारे साथ पिग्स हो गया, हार्सेज हो गई, रेबिट हो गई, डॉग्स हो गए, कैट्स और पार्ट्स, ये सारा चिकन जो है या और दूसरा तुर्की जो है बेसिकली ये पाए जाते हैं इन्फेक्टेड, इसके इन्फेक्शन में आ जाते हैं। ईकोलाई जो है इसको हम O151H7 जो बी कहते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन की तरफ
प्राइमरी थ्रू कंजम्पशन, कंजम करने की कंटेमिनेटेड फूड का, जिसमें हमारे साथ अंडर कुक मीट और जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया जरा पीटल पीकल कंटेमिनेशन हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के पानी और खुराक का, एज वेल एज के साथ हमारे साथ जो खुराक के प्रिपरेशन में जो चीज़ें आती है, जिस तरह बीफ मीट प्रोडक्ट हो गए, जिस तरह कंटेमिनेटेड सर्फ हो गए, किचन के यूटेंसिल हो गए यानी किचन के बर्तन, इस तरह ये आगे ले जाते हैं इन्फेक्शन की तरफ। इसकी एग्जांपल है हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक है जो एम्प्लीफिकेटेड होते हैं और ब्रीक करने में इकुलाई की इकुलाई 01 यानी O157H7 की जो इसमें शामिल है, अंडर क्रूक हामबर्गर, ड्राइड क्रूड सलामी और इस तरह अनफास्टरेड फ्रेश फ्रेश एप्पल साइडर, इस तरह योगर्ट और इस तरह चीज़ जो बनाई जाती है रॉ मिल्क से। इसका पेथोजेनेस इसकी रेपुलाई की जो है इस तरह डायग्रामेटिकली हमने शो किया है, इस तरह इसकी जो डिजीज है हमारे साथ आगे फैलती है और ये इंटरेक्शन इसका होता है ऑर्गेनिज्म की दूसरी मकोसल दूसरी इंटेस्टिनल मकोसा यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म की इंटेस्टिनल मकोसा के साथ जो स्पेसिफिक होती है हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका यह कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करती है, डायरिया कॉज करती है। दूसरा इसमें हमारे साथ एंटीरो पेजिनिक इकोलाई होती है, एंटीरो टॉक्सीजेनिक इकोलाई, एंटीरो इन्वेसिव इकोलाई, एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई और दूसरा एंटीरो एग्रीगेटिव इकोलाई, डिफ्यूजली एडहेरेंट इकोलाई जो लेबॉरेटरी, और इसके सिम्टम्स हमारे साथ लो ग्रेड फीवर होगा जिसमें 101 फारेनहाइट नॉर्मल आएगा, वोमिटिंग है, स्टमक क्रैम्प होगा, इसमें डायरिया होगा बस टाइम। लेबॉरेटरी ग्राइंडिंग जिस काम करते हैं वो डायरेक्ट स्मेयर के थ्रू करते हैं, कल्चर कर इसका करते हैं, मोर्टेलिटी टेस्टिंग करते हैं, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ससेबिलिटी टेस्टिंग भी अक्सर यूज़ करते हैं।